मेरे हाथ में एक डीओ का बॉटल है, ठीक है, और मैं डीओ को स्प्रे कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं, जैसे ही मैं डीओ को स्प्रे कर रहा हूँ तो लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ये किस फिनोमेना पे वर्क करते हैं, आज आइए हम समझते हैं। तो ये फिनोमेना पे वर्क करता है बर्नौली थ्योरम पे। जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है ना, वहां पे वेलोसिटी कम होती है, और जहां पे वेलोसिटी कम होती है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, और प्रेशर हमेशा हाई टू लो मूव करता है। तो क्या होता है, जैसे ही नोजल है या स्प्रेयर, जैसे मैं इसके बल्ब को प्रेस करूंगा तो ज्यादा वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा, और अगर यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इस लो प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो P2 है वो नीचे हाई प्रेशर है, और मैंने क्या बताया प्रेशर कैसे मूव करता है, हाई टू लो। तो लिक्विड जैसे मैं प्रेस करूंगा यहां प्रेशर कम हो जाएगा, और लिक्विड जो है अपवर्ड ट्रेवल करेगा, तो यहां से लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा, और फिर से जैसे मैं प्रेशर करूंगा तो वी वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, लिक्विड बाहर निकल जाएगा। तो इस फिनोमेना पे जो है वो स्प्रेयर वर्क करता है।